हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम पोषण के बारे में पढ़ेंगे और इससे संबंधित जो भी राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम चल रहे हैं उनके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पोषण क्या है? पौष्टिक तत्वों का उपयोग करके शारीरिक वृद्धि तथा तंतुओं की टूट फूट की मरम्मत ही पोषण कहलाता है। हम अपने भोजन में संतुलित आहार लेते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे शरीर की वृद्धि होती है और तंतुओं की टूट फूट मरम्मत भी होती है। इसे ही पोषण कहते हैं। पोषण के कारण ही शारीरिक वृद्धि और टूट फूट की मरम्मत ही होती है। पोषण को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, उचित पोषण और कुपोषण। उचित पोषण में क्या होता है, हम अपने आहार में संतुलित आहार लेते हैं और इसी संतुलित आहार जैसे वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का जब हमारे शरीर में उचित अवशोषण होता है तो इसे क्या कहते हैं, उचित पोषण या सुपोषण कहते हैं और इससे उत्तम स्वास्थ्य रहता है। और वहीं कुपोषण क्या होता है, जब हम पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ही अल्प होती है तो उससे हमारा शरीर कुपोषित हो जाता है, उसे कुपोषण कहते हैं। अति पोषण में जब हम पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ही अधिक लेने लगते हैं लगातार, जैसे वसा की मात्रा हम लगातार लेते रहते हैं बहुत अधिक मात्रा में, तो उससे क्या होता है, अति भार, मोटापा, हृदय रोग, ये सारे बीमारियाँ हो जाती हैं। अति पोषण, जब विटामिन ए अधिक मात्रा में लिया जाता है तो अधिकता हो जाती है, विटामिन डी की अधिकता हो जाती है, यकृत रोग हो जाते हैं, गुर्दे का रोग हो जाता है और उच्च रक्तचाप भी हो जाता है। और अल्प पोषण में क्या होता है, जब हम संतुलित आहार नहीं ले पाते हैं या किसी एक संतुलित आहार में किसी पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जैसे हम संतुलित आहार में प्रोटीन की कमी हो जाती है, हम प्रोटीन नहीं ले पाते तो उससे क्या होता है, मेलास्मस रोग हो जाता है। वैसे ही विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, बेरी बेरी, गॉइटर, रक्त अल्पता, जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, रिकेट्स, मेलास्मस, अंधता, पेलाग्रा, घेंगा, ऑस्टियोमलेशिया और रतौंधी जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जब हम पोषक तत्वों की कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो ये सारे रोग हो जाते हैं। और सारे रोग होने से क्या होता है, स्वास्थ्य खराब एवं रोगग्रस्त शरीर हो जाता है। कुपोषण एक या एक से अधिक तत्वों की कमी या अधिकता के कारण होती है, उसे कुपोषण कहते हैं। जब हमारे भोजन में एक पौष्टिक तत्व या फिर एक से अधिक पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाती है तो क्या होता है, कुपोषण हो जाता है। जब हमारे शरीर में अधिक तत्व, जब हम अपने आहार में कुछ पौष्टिक जो तत्व होते हैं उसकी अधिकता होने से क्या होता है, मोटापा, हृदय रोग और मधुमेह जैसे रोग हो जाते हैं। जब हम पौष्टिक तत्व में अधिक मात्रा में प्रोटीन लेने लगते हैं या फिर वसा की मात्रा अधिक हो जाती है तो मोटापा, हृदय रोग, ये सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और अल्प पोषण, जब हमारे आहार में पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाती है तो क्या होता है, क्वास्कर, मेरास्मस, रतौंधी जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और इसके लक्षण क्या होते हैं, चिड़चिड़ापन, आलस्य, अधिक क्रोध, वजन में कमी, चेहरा आकर्षणहीन, बाल शुष्क एवं रूखे, बेजान एवं चमकहीन हो जाते हैं, भूख में कमी हो जाती है, थकान, नींद में कमी, बेचैनी आदि लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। पोषण संबंधी कार्यक्रम, पोषण संबंधी जो राष्ट्रीय पोषण संबंधी कार्यक्रम है और अंतर्राष्ट्रीय पोषण संबंधी कार्यक्रम, इन दोनों के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्यक्रम है, राष्ट्रीय रक्त अल्पता प्रोफाइलैक्सिस कार्यक्रम, इस कार्यक्रम का उद्देश्य है विद्यालय पूर्व बालकों, गर्भवती तथा धात्री महिलाओं में रक्त अल्पता रोग की दर में कमी लाना है, अनिमिया रोग की कमी लाना है। और लाभ प्राप्त करने वाले समूह इसमें 1 से 5 वर्ष के बालक, गर्भवती माता, धात्री माता को शामिल किया गया है। इसमें सेवाएं कौन कौन से दी जाती हैं, गरीब वर्ग की गर्भवती तथा धात्री माता को
निःशुल्क लौह लवण की गोलियां वितरित करना, इसमें ये सारी सेवाएं दी जाती हैं। समन्वित बाल विकास परियोजना, जिसे ICDS के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी स्थापना 1975 में की गई थी, और इसका उद्देश्य है 0 से 6 वर्ष के बच्चों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना है। और इसका कार्य है, ICDS के कार्य टीकाकरण, पूरक आहार, स्कूल पूर्व, अनौपचारिक शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षण, सारे ये सारे ICDS के कार्य हैं। स्कूल मध्यांतर भोजन कार्यक्रम, मिड डे मील प्रोग्राम, इसकी स्थापना 1961 में की गई थी, और इस प्रोग्राम का उद्देश्य है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो 3 से 6 वर्ष के बालकों का पोषण स्तर में सुधार लाना है, और वर्ष में 200 दिन पूरक आहार दिया जाता है, प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने वाले बालकों को दिया जाता है, या जो प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करते हैं उनको, या मिड डे मील दिया जाता है, जिसमें लगभग 300 केसल ऊर्जा और 8 से 10 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है। और पोषण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उनमें विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे WHO के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी, और इसमें 194 सदस्य हैं, 194 सदस्य देश और 2 संबंध देश हैं। हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और TB और HIV संक्रमणों की जांच करने वाली डिवाइस का नाम है जेनेक्सपर्ट, और इसे भारत में भी खरीदारी की गई थी। वर्ल्ड हेल्थ डे थीम 2017 का थीम था डिप्रेशन लेट्स टॉक, और 2018 का थीम था यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, जिसका उद्देश्य था विश्व भर में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रखने का उद्देश्य। WHO के कार्य हैं, WHO विश्व विशिष्ट रोगों का निरोध एवं नियंत्रण करता है, पर्यावरणीय स्वास्थ्य के बारे में भी प्रचार प्रसार करता है, और व्यापक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का विकास करना, मानव शक्ति का विकास करना, और जैव चिकित्सीय और स्वास्थ्य सेवाओं का अन्वेषण करना, स्वास्थ्य सूचनाएं व ज्ञानवर्धन प्रतिकार प्रकाशित करना, ये सभी WHO के कार्य हैं, और स्वास्थ्य कार्यक्रमों का नियोजन और क्रियान्वयन करना, ये सारे कार्य WHO के द्वारा किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, जिसे यूनिसेफ के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को की गई थी, 1946 को। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क और कोपेनहेगन में है। इसका उद्देश्य है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन देशों को आर्थिक सहायता एवं सहयोग देना है जो मातृ एवं शिशु रोग के निवारार्थ तथा उनके उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए संघर्षशील हैं। यूनिसेफ क्या करता है, यूनेस्को के साथ मिलकर, यूनेस्को एक आहार एवं कृषि संगठन है, और WHO के साथ मिलकर विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन करता है, और क्षय रोग, मलेरिया, पोषण, बाल स्वास्थ्य, स्वच्छता, स्वास्थ्य शिक्षा, जलपूर्ति, सारे कार्यक्रमों का नियोजन करता है। यूनिसेफ के कार्य हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य एवं संरक्षण, शिशु पोषण, बाल विकास एवं जीविता, आपातकालीन सहायता एवं पुनर्वास व्यवस्था, परिवार एवं शिशु कल्याण, सार्वभौमिक प्रतिरक्षण करना, और जल और स्वच्छता, शिशु स्वास्थ्य और शिक्षा, ये सारे कार्य यूनिसेफ के हैं।
यूनिसेफ के द्वारा ये सारे कार्य किए जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।